बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट शॉर्ट सी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस एसएमएस आ रहे हैं कि सर इम्तिहानात मुलतवी से मुतलिक हमें थोड़ा सा बता दें, पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जितने बीए बीकॉम के तलबा हैं जिनके इम्तिहानात 19 अप्रैल से शुरू हुए हैं, वो तलबा बार बार इस चीज़ को पूछ रहे हैं। चूँकि मैं भी बीए बीकॉम का ट्यूटर हूँ तो मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं, तो स्टूडेंट्स ने तो भरमार कर दिए क्वेश्चंस पूछ पूछ के। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर अपने तुलबा को कीप अपडेट कर दूं कि पेपर इम्तिहानात मुलतवी हुए भी हैं, होंगे नहीं होंगे, पेपर हो जाएंगे लाजमी होंगे क्या होंगे, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का क्या मौक़िफ़ है, यूनिवर्सिटी से हमें क्या अपडेट मिल रही है, सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करने लगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स बात को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो दूसरा चैनल है सादा जॉब्स, उसके ऊपर आपकी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जारी है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवे हाईवे पुलिस की उसकी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उस बारे में एक वीडियो अपलोड की है, उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक डिफरेंट किस्म की जॉब्स हैं, तकरीबन 2500 के करीब जॉब्स हैं, 2-2500 जॉब्स हैं। तो जो से मेरे तलबा जो से भी प्रोग्राम्स के अंदर हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, अप्लाई करें, इंशाल्लाह गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए आप भी एलिजिबल ज़रूर होंगे। अब आ जाएं उस बात की तरफ, बीए बीकॉम की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया खास तौर पर हमारे ये जो उनसे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं हमारे, वो आए दिन एक दो यही बीच में चुटकुला छोड़ देते हैं जी, पेपर कैंसिल हो गए, कन्फर्म कैंसिल हो गए, 100% कैंसिल हो गए, मुलतवी हो गए, फलान हो गया, ये हो गया। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा बच्चों को पढ़ने दें, ब्राय मेहरबानी बच्चों के इम्तिहान है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे कोई अपडेट मिलती नहीं। आप छोटा सा व्यूज़ लेने के लिए चुटकुला छोड़ देते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ना वो प्रेपरेशन कर पाते हैं, ना वो समझ लगती है कि कल पेपर के सेंटर में जाएँ या ना जाएँ। हम ट्यूटर्स को वो बार बार परेशान कर, कमेंट्स कर करके, मैसेज कर करके, कॉल्स करके पूछ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया मत करें, उनको पढ़ने दें। आपको जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, ब्राय मेहरबानी उसको आप क्या किया करें, शाया किया करें या चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड किया करें। अपनी मर्जी से व्यूज़ लेने की खातिर स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क ना करें, उनको पढ़ने दें। खुदा रहा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, जो सी वीडियोस बना रही है अथेंटिक बनाए ताकि स्टूडेंट्स भी मेंटली तौर पर रिलैक्स रह सकें और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अप टू डेट रह सकें। बस आपका मतलब स्टूडेंट्स को अप टू डेट रखना है या स्टूडेंट्स को परेशान करना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों को पढ़ने दें। स्टूडेंट्स कोई भी पेपर मुलतवी नहीं हो रहे, एक पेपर जो रावला कोर्ट के अंदर था, पूंछ के अंदर था, वो मुलतवी हुआ है, जिस बारे में मैं ये स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, इसको पेपर को मुलतवी किया गया था, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी इसको अपलोड किया गया था, बता दिया गया था, पोस्ट लगाई थी, वो पेपर मुलतवी। बाकी जितने आपके पेपर हैं वो टाइम के ऊपर जो सा सेंटर है, जो सा एरिया, उसी के अंदर ही होंगे, ठीक है। इधर उधर की बातें छोड़ दें, अब तो यूनिवर्सिटीज ने क्लियर कट बता दिया है कि सेंटर्स ओपन है, स्कूल्स भी ओपन हो चुके हुए हैं, बच्चे 9th-10th के जा रहे हैं पढ़ने, तो आपने भी पेपर देने जाना ही जाना, लिहाजा इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। इधर उधर के चैनल्स की बातों को देखकर परेशान मत हो, अपनी प्रेपरेशन जारी रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।